महत्वपूर्ण और गंभीर विषय पर हम आज डिबेट कर रहे हैं। किसी ने ठीक कहा कल यहाँ, हमने और हमारे पूर्वजों ने इस प्रकार की महामारी आएगी और इतना बड़ा संकट आएगा ये कभी हमने सोचा नहीं था। कोविड-19 संक्रमण की चिंता पूरे विश्व में है, लेकिन जिसके घर में, जिसके परिवार में ये कोविड-19 का हमला हुआ है, उनका प्रेशर क्या होता है ये कल जया जी ने बताया। और ये मैं भी महसूस कर रहा हूँ जया जी, कि मेरी माँ जिनकी उम्र 80 साल की है, वो भी कोरोना संक्रमित और 15 दिन से अस्पताल में ICU में है। मेरा जो भाई है छोटा, जो विधायक है महाराष्ट्र विधानसभा का, वो भी कोरोना संक्रमित है, वो भी ICU में है। मैं ये इसलिए बताना चाहता हूँ कि कल वहाँ से हमारे साथी वहाँ बैठकर हमारे निंदा कर रहे थे कि आप लोग क्या कर रहे हो, आप कुछ नहीं कर रहे हो। लेकिन हम लोग जो लोक प्रतिनिधि है, जो राजनीतिक कार्यकर्ता है, हमको लोगों में जाना पड़ता है, लोगों से मिलना पड़ता है, लोगों की मदद करनी पड़ती है जाकर। इसी वजह से हमारा भी संक्रमण होता है और हमें भी इस संकट से जूझना पड़ता है। एक बात समझी जानी चाहिए कि ये कोई राजनीति की लड़ाई नहीं है, अपनी और दूसरों की जिंदगी बचाने की लड़ाई है और इससे हर व्यक्ति को अपना योगदान देना है, तभी देश की तबीयत खुशनुमा रहेगी। जैसे कि विनय सहस्रबुद्धे साहब हमारे मित्र नहीं है, अगर आप उनका भाषण कल सुने तो उनका पूरा भाषण, महाराष्ट्र सरकार ने कुछ नहीं किया, महाराष्ट्र सरकार पूरी तरह से फेल है, सिर्फ निंदा की, खिंचाई की। जहाँ जहाँ पश्चिम बंगाल, वेस्ट बंगाल, झारखंड, दिल्ली सरकार कुछ नहीं करते हैं, बाकी सब सरकारें ठीक कर रहे हैं, ये ऐसा नहीं है। महाराष्ट्र में 30,000 से भी ज़्यादा कोरोना संक्रमित रिकवर हो गए, ये कैसे हो गया? क्या भाभी जी के पापड़, भाभी जी के पापड़ खाकर ये सब ठीक हो गए पूरे देश में? नहीं ना, नहीं, पूरे देश में, सभी राज्यों में, सभी राज्य सरकारें अपने अपनी तरफ से। और हमने पहले दिन कहा था कि ये जो लड़ाई है ये हम प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में ही लड़ेंगे और लड़ रहे हैं। देश के नेता है, इतना बड़ा संकट है तो लड़ाई प्रधानमंत्री जी के ही नेतृत्व में लड़नी चाहिए। और हमने पूरा प्रोटोकॉल जो फॉलो किया है, प्रधानमंत्री जी के निर्देश से फॉलो किया हमारी महाराष्ट्र सरकार ने। मैं पूछना, हमारे प्रकाश जावड़ेकर जी बैठे, उनको पूछे, प्रधानमंत्री जी ने तो उनकी खास महाराष्ट्र में पूरा जो कोऑर्डिनेशन है पूरे जिले का वो करने के लिए प्रकाश जावड़ेकर साहब को वहाँ अपॉइंट किया है और उनका राज्य सरकार से और मुख्यमंत्री जी से ठीक तरह से कोऑर्डिनेशन चल रहा है। महाराष्ट्र सरकार ने मुंबई, ठाणे, पुणे जैसे बड़े शहरों में नहीं तो जिला स्तर पर जंबो कोविड सेंटर बनाए और लोगों की सेवा में लगे। सबसे ज़्यादा चिंता महाराष्ट्र और विश्व देश को हमारे यहाँ धारावी की थी। धारावी जो सबसे बड़ा एशिया का जो झुग्गी झोपड़ी का जो एक इलाका है, कि वहाँ क्या होगा, वहाँ अगर कोरोना वायरस घुस गया तो क्या होगा। और वहाँ जब कोरोना संक्रमण हुआ तो पूरा देश चिंता में आ गया था, लेकिन आज धारावी का संक्रमण पूरी तरह से नियंत्रण में है और वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने उसके लिए हमारी पीठ थपथपाई है, BMC की, WHO ने। दूसरा हमारा मुंबई का इलाका वरली कोलीवाड़ा, वहाँ सबसे ज़्यादा फिशरमैन कम्युनिटी रहती है, बहुत कंजेस्टेड एरिया है, वहाँ भी संक्रमण बढ़ा तो सब चिंता में आ गए। लेकिन वहाँ भी, वहाँ के जो हमारे विधायक है और मंत्री जी है आदित्य ठाकरे जी ने,
पूरा आज वहां का संक्रमण खत्म किया। और हमारे हेल्थ मिनिस्टर साहब जो है हर्षवर्धन डॉक्टर साहब, उसने भी उसके लिए उनको शाबाश की थी। तो मैं देखिए, आरोप लगाना ठीक है, लेकिन जो काम करते हैं उसकी देखिए। अगर मैंने ये कहा कि उत्तर प्रदेश में जो हमारे ही मैं मानता हूँ कि चेतन चौहान साहब देश के सबसे बड़े क्रिकेटर की मौत हो गई, उस बारे में मैं विधान परिषद वहाँ के एक नेता का भाषण सुन रहा था। वहाँ की जो अव्यवस्था है उनकी वजह से चेतन चौहान का मृत्यु हो गया, इस प्रकार का आरोप वहाँ लगाया है विधायक ने। तो लेकिन ये आरोप लगाने का वक्त नहीं है। दूसरी बात है कि कल एक वहाँ से आरोप लगाया गया कि महाराष्ट्र में 5,000 हेल्थ वर्कर की रिक्रूटमेंट नहीं हो गई, डॉक्टर की रिक्रूटमेंट नहीं हो गई। एक समझना चाहिए, हमारी सरकार आकर 6 या 7 महीने, 5 साल से तो उसके पहले किसकी सरकार थी? हमारी ही देवेंद्र जी की सरकार थी। तो पिछले वाले 5 साल में ये 5,000 डॉक्टरों की रिक्रूटमेंट अगर आप करते तो आज बहुत बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा होता। तो ये बात भी समझनी चाहिए। एक दूसरे के ऊपर आपने और हमने किसी के ऊपर आरोप प्रत्यारोप नहीं करना चाहिए। आपने हिसाब किताब की बात की है, मुझे मालूम है कि अभी केंद्र सरकार ने 1 सितंबर से पूरा मेडिकल इक्विपमेंट की मदद करना बंद कर दी है, उसमें पीपी किट, मास्क, वेंटिलेटर, उसके वजह से महाराष्ट्र सरकार को 350 करोड़ का ज़्यादा अब बोझ आने वाला है। तो पीएम केयर फंड जो आपने बनाया है उसमें 1,000 करोड़ रुपए सीएसआर फंड से जमा किए हैं, वो किसके लिए है? वो भी सभी राज्यों के लिए है, वो आपको देना पड़ेगा। दूसरी बात है, हमारा GST का बकाया जो है वो तो दीजिए, उससे हम आगे का काम चला देंगे। अगर आप चाहते हैं कि आप राज्य सरकार अपना कोविड की लड़ाई अपने आप लड़े, तो आपके पास जो हमारा बकाया पड़ा है वो आप दीजिए। सभी राज्यों की बात मैं करता हूँ, महाराष्ट्र सरकार को मैं बताना चाहता हूँ कि मार्च महीने में जब ये शुरू हुआ कोविड का संकट, तो पूरे राज्य में सिर्फ हमारे महाराष्ट्र में 1 टेस्टिंग लैब थी, लेकिन आज 405 टेस्टिंग लैब पूरे महाराष्ट्र में हमने खड़े किए 5 महीने। माननीय संजय जी कंक्लूड करिए। सर करता हूँ सर, तो बात ऐसी है सर कि मास्क तो लगाऊंगा मैं, केंद्र सरकार ने देना बंद कर दिया है इसलिए। अच्छा किया आपने, चेयरमैन साहब ने अभी बता करके हम सबको आग्रह किया था। बात ऐसी है कि केंद्र सरकार के 7 मंत्री संक्रमित हुए हैं, तो यह किसी के ऊपर नहीं है कि आप कौन से राज्य से आते हो। आज मैंने सुना है कि हमारे नितिन गडकरी भी संक्रमित हुए हैं, मैं उनके जल्दी ठीक होने की कामना करता हूँ। दूसरी बात, आज देश में 50 लाख से भी ऊपर ज्यादा संक्रमण का आंकड़ा गया है, 80,000 से ज्यादा मौतें हो गई है। तो मैं इतना ही कहूंगा कि इस पूरे लड़ाई में पूरा देश सभी राज्यों को साथ लेकर हमको आगे की लड़ाई लड़नी होगी। हम सिर्फ राजनीति करते हैं बैठे दूसरे के खिलाफ, तो ये 50 लाख का आंकड़ा 1 करोड़ तक पहुंच जाएगा। तो मैं आप इस सदन के माध्यम से मैं सबको, सभी राजनीतिक दलों को, सभी सरकारों को विनंती करता हूँ, अब ये जब तक आखिरी कोविड पेशेंट ठीक नहीं होता तब तक हम दूसरे एक दूसरे के साथ कंधा से कंधा मिलाकर काम करेंगे। धन्यवाद।